नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए कोरोना काल में जयराम सरकार के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप छेड़े हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भी सरकार की प्राथमिकता कोरोना पर नियंत्रण करने की बजाय पार्टी वर्कर्स की मीटिंग करने की रही है। उन्होंने कहा कि जो पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर खर्च किया जाना चाहिए था, सरकार उस पैसे को पार्टी कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और खामियों के कारण ही प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने पंचायती राज के चुनाव समय पर करवाने की मांग उठाई और पंचायती राज चुनावों में देरी के पीछे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब बिहार सहित अन्य राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो पंचायती राज चुनाव न करवाने के पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता और अब सरकार की मंशा पंचायतों पर पिछले दरवाजों से काबिज होने की है। सरकार पंचायतों में अपने चहेतों को बतौर प्रशासक तैनात करना चाहती है। उन्होंने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार पर लगे घोटालों के आरोप बिल्कुल साफ है और ये सब जनता के दरबार में है। इसके चलते भाजपा अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। मामला दर्ज होने के साथ साथ अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन पूर्व सीएम धूमल इसके बावजूद भी कैसे सबूत मांग रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर हो हल्ला करने वाले अब चुप क्यों हैं? उन्होंने प्रदेश सरकार से स्किल मैपिंग कार्यक्रम को सिर्फ टोटका करार दिया है। जो चर्चाएं सरकार में हो रही हैं, उसमें ये चर्चाएं भी आ रही हैं कि सरकार चोर दरवाजे से पंचायतों पे कब्जे करने के फिराक में है, इसकी आड़ में, और एडमिनिस्ट्रेटर लगाना किसी भी ढंग से जो है सही नहीं होगा। तो दूसरा, नई पंचायतें गठन करने की का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई पंचायतें जो हैं उन पर भारी भरकम खर्च इन्वॉल्व होगा। सरकार के पास 1200 जो है पंचायतों के गठन के प्रस्ताव गए हुए हैं, और अगर सरकार ये करती है तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा उस पंचायत को चलाने का, और वो लगभग 1 करोड़ रुपया या उससे आगे पीछे जो है ये राशि खर्चनी पड़ेगी। एक एक पंचायत के पंचायत घर बनना है, पंचायत सेक्रेटरी लगना है, सलाह होना है, और दूसरा समय भी नहीं रहा। तो अगर आप सरकार अगर 400-500 पंचायतें भी बनाती हैं तो वो भी जो है 500 करोड़ रुपए का नया बोझ हो जाएगा। तो कोरोना के काल में नई पंचायतों का बोझ जो है प्रदेश उठाने की स्थिति में नहीं है, जबकि आप करते लेके जो है प्रदेश को चला रहे हो। तो ये बात भी हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते थे। और थर्डली, जिस ढंग से डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों खामोश हैं और लगातार रेट बढ़ाते जा रहे हैं, और निरंतर जो है आए दिन जो है बढ़ोतरी हो रही है और रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है, तो हमारा सरकार से ये कहना है कि ये जो है महंगाई बढ़ाने वाले कदम हैं और इसका व्यापक असर हर स्तर पे होगा। और अपने समय में तो ये जो है विरोध करते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो 35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल डीजल मिलेगा। आज स्थिति ये आ गई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फर्स्ट टाइम बराबर हो गई हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर पहुंच गई हैं, और ये एक चिंता की बात है। हम ना, हमारा बिल्कुल ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, आज भी सरकार ने कहा है कि कोविड केयर सेंटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
बनाने के लिए सब तत्पर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, लेकिन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है फ्री करें। अगर आपको कॉलेजेस चलाने हैं आने वाले समय में किसी भी समय, तो आपको 15 दिन जो है जो जहाँ पे आपने सेंटर्स बनाए हुए हैं उनको सैनिटाइज करके प्रॉपर उनको 15 दिन तक छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जो स्कूल आपने ले रखे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इससे बाहर निकाल के जो है, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे जगह जगह होटल ले रखे हैं, इतने होटल ले रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनकी ज़रूरत ही नहीं। सरकारी बिल्डिंगें अवेलेबल हैं कोविड केयर सेंटर के लिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वहाँ तो आप करें, लेकिन जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ पे जो है आप जो है कुछ लोगों को अप्लाई करने के नज़रिए से जो है ये कदम उठाएं। तो ये कि किसी भी तरह जो है वाजिब नहीं है। अब हमारे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोविड हरोली को कोविड हॉस्पिटल बनाया है, साथ में खट को जो है वो कोविड केयर सेंटर बनाया। हालांकि कोविड केयर सेंटर खट को बनाना किसी भी तरह सही नहीं था, लेकिन प्रशासन का विवेक है, प्रशासन को अपने विवेक में लगा होगा कि ये सही है, जबकि वो बीचों बीच है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ऐसे ही पालकवाग में इसके डेवलपमेंट सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया है। तो जब हमने पहले कहा है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उनको कोविड केयर सेंटर या कोविड हॉस्पिटलों में परिवर्तित नहीं करें, लेकिन इसमें प्रशासन की तो बहुत पावर है कोविड के दौरान, और पूरा वातावरण जो इन्होंने क्या कर दिया है प्रदेश का, डेमोक्रेटिक स्पिरिट खत्म करके इन्होंने इसको आपातकाल का स्थिति खड़ी कर दी है पूरे प्रदेश में।